आप पे मुझे अपने बाप से भी ज्यादा भरोसा है। हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। गाइस जैसा कि आपको पता ही होगा, बिग बॉस के घर में अभिषेक और मनीषा की फ्रेंडशिप को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो क्या बाहर आकर भी ये दोनों एक कोलैब वीडियो शूट करने वाले हैं? आपने पुकारा इंसान के टिंडर इन रियल लाइफ की वीडियो तो देखे ही होंगे, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो। टॉपिक पर उन्होंने मल्टीपल वीडियो बनाई हुई है, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड वे मनीषा के ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं। वे मनीषा से बोले कि मैं लड़कों को बुलाऊंगा, जिसके बाद वे तेरे ऊपर लाइन मारेंगे और तू उन पर। इस पर मनीषा रिप्लाई करते हुए कहती है कि इस वीडियो से आप जो पैसा कमाओगे उसका क्या? पुकारा इंसान कहते हैं पैसा क्या, वो सब मेरा। गाइस आपने मेरी इससे पहले वीडियो में देखा होगा कि जिसमें मैंने बताया था कि एल्विस पुकारा इंसान को बोले अगर जो मान लिया जाए जनता के वोट से मैं जीत भी जाता हूँ तो ये जीत मैं तेरे को ही डिजर्व करूंगा, क्योंकि तू पहले दिन से ही यहाँ सरवाइव कर रहा है यार। और इसी बात को लेकर मनीषा अभिषेक से बोली कि मुझे एल्विस की एक बात बहुत अच्छी लगी, जहाँ पर ये बोले कि तू जीते या मैं बात बराबर है। इस बात से पता लगा कि अभिषेक एल्विस तेरे को कितना प्यार करता है। अभिषेक भी कहते हैं तूने सही कहा, ऐसा कोई नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर बाहर से जो भी आता है वो जीतने के लिए ही सिर्फ यहाँ आता है। फिर वो मनीषा से कहते हैं कि घर के बाहर एल्विस की मेरे से भी बड़ी फैन फॉलोइंग है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था मेरे इंस्टा पर 1 मिलियन फॉलोअर्स और एल्विस के 5 मिलियन फॉलोअर्स थे। बट गाइज अगर जाकर आप देखो तो अभी के टाइम पर पुकारा इंसान के इंस्टा पर 3.7 मिलियन फॉलोअर्स और एल्विस यादव के 9.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो गाइज फॉलोइंग के मामले में तो लीड कर रहे हैं कहीं ना कहीं एल्विस भाई। जिसके बाद पुकारा इंसान कहते हैं कि इसके बावजूद भी एल्विस ने मेरे को ऐसा बोला, बहुत अच्छा लगा मुझे। गाइज क्या पुकारा इंसान ज्यादा डिजर्व करते हैं शो को जीतना, क्योंकि वो फर्स्ट डे से ही घर में है और एल्विस यादव वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर यहाँ पर आए। निशा इस चीज को डिस्कस करते हुए पुकारा इंसान से बोलती है ऐसे तो जनरली ये गेम वाइल्ड कार्ड नहीं जीतता, क्योंकि वो कहती है देखो लोगों का दिल जीतना एक अलग बात है, पहले दिन से ही इस घर में सर्वाइव करना वो एक बड़ी बात है। वो कहती है जो बंदा 40 दिन यहाँ पर मेंटली सर्वाइव कर रहा है मेरी नजरों में बहुत ज्यादा डिजर्व करता है इस शो को जीतना। जिसके बाद फुकरा इंसान भी इस पॉइंट से एग्री करते हैं। गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं UK07 राइडर के बारे में। जैसे कि गाइस आपको पता ही होगा बाऊ भैया ने ले ली है सुप्रा कार, अगर जो आप इनके डेली व्लॉग फॉलो करते हो तो, जो कि फाइनली दुबई से शिपिंग भी हो चुकी है इंडिया आने के लिए। तो क्या गाइस बाबू भैया को इस कार को इंडिया लाने का मोटिव कुछ लोगों को बेसिकली जलाना है, क्योंकि आप खुद देखिए क्या कहा इन्होंने इस छोटी सी क्लिप। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि नहीं कर पाएगा, नहीं ला पाएगा, दुबई नंबर प्लेट गाड़ी लोड हो रही है गाइस, बस इंडिया आने का वेट है। और फिर जो जलेगी ना, बहुत लोगों की जलने वाली है सेगमेंट देख करके, जिन्हें पता है उन्हें पता है, बट दुबई नंबर प्लेट गाड़ी इंडिया में आ रही है गाइस। बाकी गाइस अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में।